उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो भाई लोग, आज हमारे पास सैमसंग देख सकते हैं, ये कैमरा वाला मॉडल है। इसका मॉडल नंबर है सैमसंग B313 मॉडल है, सैमसंग B313 मॉडल है। तो गाइस, इसमें चार्जिंग स्टोर नहीं हो रहा, चार्जिंग शो कर रहा, पर इसका परसेंटेज जो है वो खूटी जो है वो बढ़ नहीं रहा है। तो गाइस, इसी को रिपेयर करना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसको, चिप को। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चार्जिंग पिन इसका जो है सही है और इसका परसेंटेज जो है खूंटी जो है इसका वो बढ़ा नहीं रहा, स्टोर नहीं हो रहा। मतलब अगर दो खूंटी है तो केवल गाइस दो ही खूंटी रह रहा है, देख सकते हैं। इसमें जो है ये पूरा फुल नहीं हो रहा, तो चाहे रात भर लगाए रहो, चाहे दो चार घंटा, चाहे जितना लगाओ, ये भरेगा नहीं गाइस। तो गाइस, इसी की रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को लास्ट तक बने रहो। जो भाई लोग चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले फ़ोन को ओपन करते हैं। तो गाइस, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है गाइस। तो गाइस, ये हमारा फ़ोन थोड़ा वाटर डैमेज है, कस्टमर का कहना है ये थोड़ा वाटर डैमेज है। तो गाइस, जो भी प्रॉब्लम हमारे इसी फ़ोन में है, देख सकते हैं। तो गाइस, कभी कभी चार्जिंग पिन बदल देने से हमारा समस्या समाधान हो जाता है, इसमें स्टार्टिंग आ जाती है। तो देखते हैं गाइस, स्टार्टिंग है या नहीं है। तो भाई लोग, हमारा चार्जिंग पिन जो है वो हल्का शॉर्ट है, इसको गाइस हम रिमूव करके दूसरा लगा देंगे। इसके बाद देखते गाइस हमारा ये सही होता कि नहीं होता। तो अगर गाइस तब भी सही नहीं होता, तो इसके बाद गाइस हमारा एक चार्जिंग आईसी है यहाँ पे एक छोटा सा, इसको हम रिसोल्ड कर दें, मतलब गाइस निकाल कर दूसरा लगा देंगे किसी फ़ोन से। तो सबसे पहले चार्जिंग पिन को रिमूव करके देखते हैं दूसरा लगा कर। तो भाई लोग, अपना ये दूसरा चार्जिंग पिन है नया वाला, देख सकते हैं ये नया है, और ये दूसरा, इसको हम फेंक देते हैं। इसको हम लगाते हैं अब अच्छे से, यहाँ पर सेट करते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो गाइस, अपना चार्जिंग पिन लगा लेते हैं इसको अच्छे से। तो भाई लोग, अपना लग चुका है, तो इसको गाइस अब चेक करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका। तो गाइस, हमारा चार्जिंग पिन बढ़ने लग जाएगा। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर डैमेज के कारण कुछ शॉर्टिंग आ जाता है चार्जिंग पिन में, तो ये दिक्कत होने लगती है। बाकी गाइस सब सही हो चुका है हमारा। तो गाइस, शॉर्टिंग दूर हो चुकी है, नया पिन लग चुका है। तो गाइस, हमारा फ़ोन अब फुल चार्ज होगा। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलो गाइस, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।